नमस्कार। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस 8 जून को हर साल मनाया जाता है। चिकित्सा विशेषज्ञों का यह मानना है कि विश्व भर में हर दिन 1,00,000 में से 10 लोग ब्रेन ट्यूमर के कारण मरते हैं। ब्रेन ट्यूमर दिवस पर विश्व के अनेक देशों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें इस बीमारी के लक्षणों और इसके उपचार के बारे में आवश्यक जानकारियां दी जाती है। ब्रेन ट्यूमर हाल के वर्षों में सबसे घातक बीमारियां में गिनी जाती है। अब हम देखते हैं कि ब्रेन ट्यूमर क्या है। ब्रेन ट्यूमर एक खतरनाक रोग है। समय रहते इसका उचित इलाज नहीं कराया गया तो यह जानलेवा साबित होता है। जब मानव शरीर में किसी भी जगह कोशिकाओं की अनावश्यक वृद्धि हो, लेकिन शरीर के उस भाग या अंग में इन अनावश्यक वृद्धि वाली कोशिकाओं की आवश्यकता न हो, तब इस अवस्था को ही कैंसर के नाम से जाना जाता है। ब्रेन यानी मस्तिष्क के किसी हिस्से में पैदा होने वाली असामान्य कोशिकाओं की अनावश्यक वृद्धि ब्रेन ट्यूमर के रूप में प्रकट होती है। अब हम जानते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। 2000 से प्रतिवर्ष 8 जून को विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को सबसे पहले जर्मन ब्रेन ट्यूमर एसोसिएशन द्वारा मनाया गया था। यह ब्रेन ट्यूमर के बारे में लोगों के बीच शिक्षा और जन जागरूकता प्रसारित करने वाला एक गैर लाभकारी संगठन है। जर्मनी में घातक ब्रेन ट्यूमर सामान्यतः पाया जाता है। इस बीमारी से अकेले जर्मनी में वर्ष 2016 में 8,000 से अधिक लोग पीड़ित थे और दिन प्रतिदिन यह संख्या में वृद्धि हो रही है। विश्व भर में प्रतिदिन ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित होने वाले सैकड़ों नए मामलों की जानकारी प्राप्त होती है। अधिकांश ट्यूमर से पीड़ित होने वाले रोगियों की संख्या ट्यूमर की तुलना में ब्रेन मेटास्टेटिस के कारण अधिक होती है। यह बच्चों में कैंसर का सबसे सामान्य प्रकार होता है। एक नजर हमारे देश में ब्रेन ट्यूमर पर। भारत में ब्रेन ट्यूमर की व्यापकता और प्रसार बढ़ता जा रहा है। बचपन में होने वाले कैंसर के अध्ययन के अनुसार ब्रेन ट्यूमर लड़कियों में सामान्यतः ज्यादा पाया जाता है। यहाँ तक कि यह वयस्क स्त्री और पुरुष दोनों लिंगों में भी पाया जाता है। हालांकि स्थितियों के बीच कुछ भिन्नता हो सकती है। भारत सरकार ने ब्रेन ट्यूमर की रोकथाम, स्क्रीनिंग, रोग का जल्दी पता लगाने, निदान और अंतिम चरण में उपशामक देखभाल उपचार प्रदान करने के लिए अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के साथ राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रक कार्यक्रम की शुरुआत की है। एक नजर ब्रेन ट्यूमर के बारे में जानने लायक कुछ तथ्य पर। ब्रेन ट्यूमर किसी भी उम्र में हो सकता है। ब्रेन ट्यूमर होने के सही कारण स्पष्ट नहीं है। ब्रेन ट्यूमर के लक्षण उनके आकार, प्रकार और स्थान पर निर्भर करते हैं। वयस्कों के बीच प्राथमिक ब्रेन ट्यूमर का सबसे सामान्य प्रकार एस्ट्रोसाइटोमा, मस्तिष्कावरण वृद्ध और ओलिगोडेंड्रो ग्लियोमा है। बच्चों में पाए जाने वाले ब्रेन ट्यूमर का सबसे सामान्य प्रकार मेडुलोब्लास्टोमा ग्रेड 1 या ग्रेड 2 एस्ट्रोसाइटोमा एपिंडाइमोमा और ब्रेन स्टेम ग्लियोमा है। ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित होने वाले जोखिम के कारकों में पारिवारिक इतिहास एवं अधिक से अधिक संख्या में एक्सरे कराना हो सकते हैं। चिकित्सक द्वारा ब्रेन ट्यूमर से पीड़ित होने का निर्धारण चिकित्सीय इतिहास, शारीरिक परीक्षण तथा ब्रेन एवं तंत्रिका तंत्र के विभिन्न महत्वपूर्ण परीक्षणों के आधार पर किया जाता है। ब्रेन ट्यूमर के वैकल्पिक उपचारों में शल्य चिकित्सा, विकिरण चिकित्सा और कीमोथेरेपी या उपचारों का समन्वय शामिल है। एक नजर ब्रेन ट्यूमर के लक्षण पर। तो ब्रेन ट्यूमर के लक्षण ब्रेन के हिस्से में होने वाले बदलाव के आधार पर पैदा होते हैं। कुछ सामान्य लक्षणों में सिर दर्द, दौरा, दृष्टि समस्या, उल्टी और मानसिक परिवर्तन जैसे लक्षण हो सकते हैं। रोगी सुबह सिर दर्द और उल्टी महसूस कर सकता है। अत्यधिक विशिष्ट समस्याएं जैसे कि चलने, बोलने और इंद्रिय बोध में परेशानी हो सकती है। अब एक नजर उपचार पर। चिकित्सक ब्रेन ट्यूमर के प्रकार, ग्रेड और ट्यूमर की स्थिति तथा रोगी के सामान्य स्वास्थ्य के आधार पर उपचार की सलाह दे सकता है, जैसे सर्जरी या शल्य चिकित्सा, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, स्टेरॉइड, एंटी सीजर दवा इत्यादि है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सभी दर्शक मित्रों को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आभार। वीडियो ने लाइक करो, तुम्हारा मित्रों ने शेयर करो और आओ वधु वीडियो जोवा माटे आ चैनल ने सब्सक्राइब करो। थैंक यू।